2023 में हम हर कीमत पर सरना धर्म कोड लेंगे। आदिवासियों पर लगातार हमला हो रहा है, इसके खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह अर्थात क्रांति का बिगुल 1 जनवरी को दुमका से फूंका जाएगा, इसकी घोषणा सेंगे। अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने की वह शुक्रवार को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार और झामुमो ने आदिवासियों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है, ईसाई धर्म गुरुओं ने आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराने का काम किया, झामुमो केवल आदिवासियों का उपयोग वोट बैंक के लिए करता रहा है। ईसाई धर्म गुरु आदिवासियों को ईसाई बनाने में जुटे हैं। ईसाई धर्म गुरुओं ने आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन मूल्य की जड़ों को काट कर कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जितना आदिवासी ईसाई बने हैं, सब धर्म गुरुओं के गुलाम की तरह खड़े हैं। हेमंत सोरेन लूट और झूठ का सम्राट बने हुए हैं। 1932 खतियान का झुंझुना चल रहा है, नियोजन नीति भी खारिज हो गई, आरक्षण नीति का हाल भी वैसा ही है। सोरेन परिवार आदिवासियों की सबसे बड़ी संथाली भाषा को राजकीय भाषा बनाने के खिलाफ है। सरना धर्म कोड के मामले में भी टाल मटोल किया जा रहा है। राज्य में CNT एक्ट कानून को तोड़ा जा रहा है। सरना धर्म कोड जो है, हम आदिवासियों के लिए अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी का मामला है, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का मामला है। 2023 में हम हर कीमत पर सरना धर्म कोड लेंगे, करो या मरो की तर्ज पर, फाइट टू फिनिश की तर्ज पर, और इसका भी उद्घोष हम लोग 1 जनवरी दुमका से करेंगे। और इसके अलावे जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।